अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं वैल्यूइंग अदर्स चैप्टर नंबर 6 की। व्हाई वी यूज कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, हम कैपिटलाइज करते हैं क्यों और पंक्चुएशन क्यों यूज करते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम। ये पहले हम बहुत दफा टॉपिक को कवर कर चुके हैं। राइटर्स यूज कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स टू हेल्प द रीडर बेटर अंडरस्टैंड वॉट इज रिटन। जो राइटर्स होते हैं, लिखने वाले होते हैं, वो कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो रिटन चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। ये भी एक रिमाइंडर है, ट्रूली देयर इज़ अ रिमाइंडर इन दिस फॉर एनी वन हु हैज़ अ हार्ट और हु लिसन्स अटेंटिवली विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। कुरान जो है वो लोग जो दिल रखते हैं और जो अपने दिमाग से सोचते हैं उनके लिए एक याद दहानी है। तो हमें दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ कुरान को रोज़ तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए ताकि हम सीधे रास्ते पे कायम रह सकें। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको पंक्चुएट करें। हुर्रे, वी वन द मैच, हमने खुशी से हम चीखें लगाते हैं, वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो इसको पंक्चुएट करेंगे तो जो भी सेंटेंस शुरू करते हैं उससे कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं हुर्रा, और उसके बाद क्योंकि ये हमारे जज्बात को शो कर रहे हैं हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जो कि रेड में है। वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, तो हमने लाइन लगा के जो डॉट है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर इमोशन, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको जज्बात को शो करने के लिए लगाया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज आफ्टर इंटरजेंशंस आर एक्सप्लेनेशंस। दिस पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू शो एम्फसिस, ये जो है जोर किस चीज़ पे है उसको शो करता है। इट कैन बी यूज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इसको दरमियान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सेंटेंस के आखिर में, जैसे हमने हुर्रा के बाद भी इसको यूज़ किया है और एंड पे भी। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आई एम फ्री एक्सप्रेसेस जॉय, जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए। आई ट्रेयर यू एक्सप्रेस लव, शी एक्चुअली वन एक्सप्रेस सरप्राइज, एंड यू आर लेट अगेन एक्सप्रेस एंगर। तो हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें इमोशंस का, जज्बात का इजहार किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर आर फ्राज एंड साद गोइंग, फ्राज और साद कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला है, आए देखें इसको कैसे पंक्चुएट करते हैं। तो इसमें वेयर आर फ्राज एंड साद गोइंग, क्योंकि वेयर जो है सेंटेंस शुरू हो रहा है, हम डब्ल्यू को कैपिटल करेंगे। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करते हैं, तो हम फराज और साद क्योंकि प्रॉपर नाउन है, दो बच्चों के नाम हैं, हम उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एंड पे हम सवालिया निशान लिखेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। आपने देखा कि ये एक सवालिया जुमला है और इसको हमने एंड करना है क्वेश्चन मार्क पे। एग्जांपल है मे आई बारो योर न्यूज़पेपर, कोई किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क आखिर में आएगा। डिड यू टर्न द लाइट ऑफ, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, डू यू राइड द बस, हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी। आप देखें मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं जिनको सवालिया अंदाज में पूछा गया, हम इनको क्वेश्चन मार्क्स पे एंड करेंगे। फिर हम पहले देख चुके हैं कि अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग। प्रॉपर नाउन कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। इसीलिए हमने फ्राज और साद को सेंटेंस के बीच में भी उनके नाम जो हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे हैं। सेंटेंस है साद फील्स एम्बेरस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर,
साद ने पेशेमानी महसूस की अपने बदतमीज रवैये की वजह से। अब इसको हम पंक्चुएट करते हैं, साद फील्स एम्बेरस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। तो साद प्रॉपर नाउन भी है और सेंटेंस भी इससे शुरू हो रहा है, हमने एस को कैपिटल किया और फिर ये एक एम्बेरसमेंट उसकी शो कर रहा है रूड बिहेवियर की, तो इसलिए हमने एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए हमने इसे एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड किया। नेक्स्ट है, डिड यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह देर से उठते हो। तो ये भी एक सवालिया जुमला है जिसके लिए हमने डिड, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमने डी को कैपिटलाइज किया और फिर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसे एंड किया क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम पहले भी देख चुके हैं एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।